फेक जिले के अंतर्गत केजेकोनो गांव को 100% एलईडी लाइट वाले गांव के रूप में घोषित किया गया है। केजेकोनो को नगा लोगों के पूर्वजों का घर भी कहा जाता है। 420 परिवारों वाले इस गांव में तकरीबन 3000 लोग रहते हैं। गांव की भलाई के लिए हर घर ने एलईडी लाइट का इस्तेमाल करने की कसम खाई है। इन सबके पीछे चुकेटशे सोसाइटी का हाथ है, जिसमें 18 सदस्य हैं। बिजली की खपत को कम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। जिले के उपायुक्त ओरेनथुंग लोथा ने गांव को 100% एलईडी लाइट वाले गांव के रूप में घोषित किया। वुमेन ऑफ नागालैंड ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ फेक नागालैंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन इन रिकॉग्निशन ऑफ द फुली लिट लाइटेड विलेज दिस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन इज हियरबाय awarded to Kezakonoma Village under Fake District Nagaland on this 27th day of July 2018. We have declared a pledge, taken a pledge, and we have given some guidelines to all the KLs that from this day onward we won't be using the fluorescent bulbs in our villages, and those who are not abiding to the rules and guidelines that we have provided, we will take action against them. The Kezakonoma Youth Organization will be implementing the rules and regulations to all the villages. पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तृतीय पुण्यतिथि पर शिलांग आईआईएम ने उन्हें याद किया। इस मौके पर प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी पद्म भूषण प्रोफेसर विकास सिन्हा के व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। प्रोफेसर सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के मानद वैज्ञानिक हैं और परमाणु भौतिकी तथा उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। वे वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के होमी भाभा चेयर प्रोफेसर भी रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे। व्याख्यान श्रृंखला के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि युवा पीढ़ी धीरे धीरे वैज्ञानिक मिजाज खो रही है, क्योंकि आजकल युवा फोटोग्राफी और सिनेमा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। Already I see the results of the kids from the villages, a lot better than urban kids. So that culture will spread, I'm sure, to these part as well, mountain apps. That's one good feature of our communication. It should be patronized, greatly. They think that science does not give them a good career, which is not right. Today, school teacher earns a lot of money, you know. Right? Increase. Less number of scientists who come from towns on the lower side in this part of the country. गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर शुक्रवार को मणिपुर के चंदेल जिले के अंतर्गत पल्लेल में सीमा शुल्क निवारक बल ने सोने के 25 बिस्किट जब्त किए। इन बिस्किटों का वजन 4,150 ग्राम बताया गया है, जिसकी कीमत 1,25,08,100 रुपए है। मामले के सिलसिले में थौबल जिले के लिलोंग से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की गई मारुति वैन को भी जब्त किया गया है। The officers of custom preventive force Palel, led by the superintendent of Palel preventive force corps, effected seizure of 25 gold bars at about 5:45 p.m. yesterday morning. Total weight of the seized 25 gold bars is 4150 grams. That means 4 kg 125 grams. Valued at rupees 1 crore 25 lakhs
08100 rupees. In this connection, the custom officers has arrested four persons. The golds are bringing by these four persons from Moray side. अगरतला की मैट्रिक्स चेस अकादमी ने शुक्रवार से मैट्रिक्स चेस कंपटीशन का आयोजन किया है। प्रतियोगिता में बांग्लादेश, असम और त्रिपुरा से 170 से अधिक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शीर्षक है इंडो बांग्लादेश मैट्रिक चेस मैट्रिक्स कंपटीशन। अगरतला के स्टूडेंट्स हेल्थ होम में आयोजित प्रतियोगिता आगामी रविवार तक चलेगी। आयोजक और फाइट मास्टर शतरंज खिलाड़ी प्रसन्नजीत दत्ता ने कहा कि 17 वर्षों के बाद वे अगरतला में ऐसी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए पहले भारत और बांग्लादेश के 210 छात्र पंजीकृत थे, लेकिन 170 से अधिक छात्र छात्राओं ने यहां भाग लिया। Our players should be participate in the Bangladesh League tonight. So I played the 7-8 times of the Bangladesh League Championship. Beautiful tournament in Bangladesh. But here, to Bangladesh is a very easy way to go there. So that's why we invite Mr. Mustan Ahmed, Mr. Secretary of the Secretary of all Ministers for all the Bangladesh Federations. And we come here with his team. It's a very solid team is there. But the main reason would be our sports. सिक्किम में एक और दुर्लभ प्रजाति की तितली की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। इस प्रजाति का नाम अजूरी ब्लू माउंटेन बताया गया है, जो कि एक नर तितली है। इससे पहले इस प्रजाति की तितली की तस्वीर सन 1934 में एक ब्रिटिश ने ली थी। इसी के साथ दुर्लभ प्रजाति की तितली के क्षेत्र में सिक्किम की सूची में एक और नाम जुड़ गया है और इसका श्रेय जाता है पश्चिम सिक्किम के निवासी किंगजंग शराब भूटिया को, जिन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई में इस तितली की तस्वीर ली। भूटिया एक पर्यटन उद्यमी है और समाज सेवक है। इसके अलावा वे युक्सम इलाके के एक गैर सरकारी संगठन के महासचिव भी हैं।